तो हेलो, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सही हो गए। और आप, पता है कि टाइम एंड वर्क का क्लास बहुत अच्छे से चल रहा था और उसके एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, पेन था, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आज कुछ नया टाइप से आपको बताऊंगा और उसको टिक के द्वारा सॉल्व करना। क्लास को अंत तक देखते रहिएगा, बीच में मिस्टेक मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पी किसी कार्य के ए अपन चार भाग को 20 दिन में, कि उसी कार्य के 60% भाग को 15 दिन में, और आर उस कार्य के 1/3 भाग को 16 दिन में, तथा यश उस कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले उस कार्य कौन पूरा करेगा? छोटा सा क्वेश्चन है, इजी ट्रिक है, देखिएगा। पी किसी कार्य के, मान लीजिए पी किसी कार्य का इतना भाग इतने दिन में करता है, तो पी एक कार्य कितने दिन में करेगा? पी को एक का कार्य करने में लगा समय क्या हो जाएगा? पी एक कार्य को 1/4 भाग करता है 20 दिन में, तो एक कार्य को पूरा करेगा तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 20 बराबर 20 को 80 दिन। ये बात क्लियर? अरे 20 दिन में 1/4 करता है, 1/4 का करता है, तो कार्य 4 भागों में बटा है तो पूरे कितने दिन लेगा? अब मान लीजिए कि 4 कुर्सी आपको बनाना है, एक 20 दिन में एक कुर्सी बनाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 4 कुर्सी आपको बनाना है। ध्यान समझिएगा कैसे हुआ है, 4 कुर्सी बनाना है और 20 दिन में आप एक कुर्सी बनाते हैं, तो क्या कहेंगे? 1/4 न कहेंगे कि 1/4 कुर्सी बनाए हैं, तो 1/4 इसका मतलब यही हुआ, 4 से मल्टीप्लाई करें, 80 दिन में कुल कुर्सी बनाएगा। अब वही कीजिए, क्यू क्यू को 1 दिन में करने में लगा समय 60% है, 15 दिन करता है, तो 15 × 100/60। अभी 60% है, इसको आप लिखेंगे 60/100, परसेंटेज को 1/100 लिखते हैं, लेकिन ये उलट जाएगा। जैसे ए वाला उलट गया है 1/4 वाला, तो 60/100 को ये भी उलट जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 60 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे इसमें 1 से डिवाइड हो गया है। ये बात आपको क्लियर? 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 और 2 × 5 = 10, 25 दिन। आर वाला देखिए, आर उस कार्य को करने में लगेगा कितना समय? 1/3 भाग करता है 16 दिन में, तो पूरा कार्य कितने करेगा? 16 × 3 = 48 दिन। यस वाला देखिए, यस उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? 1/6 भाग करता है 7 दिन में, तो पूरा कार्य कितना करेगा? अरे 6 कुर्सी बनाना है, उसमें से एक कुर्सी बनाता है 7 दिन में, 6 कुर्सी कितने बनाएगा? 42 दिन, मतलब 7 × 6 = 42। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि कार्य कौन पहले पूरा कर देगा, तो देखिए कम दिन कौन कर रहा है, तो क्यू कार्य को सबसे पहले पूरा करेगा क्यू। SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 10+2 लेवल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए बता दिया हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, डाटा चेंज करके देता रहता है, कन्फ्यूजन क्रिएट इसलिए हो जाते हैं। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होते हैं, ये तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ जो परसेंटेज वाला है ना, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि परसेंटेज का मतलब हुआ आपका 16/100, और इसका मतलब ये हुआ कि कोई 100 काम है, उसमें से 60 काम को कंप्लीट कर लिया गया है। कितने दिन में? तो 15 दिन में। 100 में से 60 कार्य को कंप्लीट कर लिया गया है 15 दिन में, तो पूरे काम को, जो 40 और काम बचेंगे, उनको कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा? तो ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे 60 से डिवाइड हो जाता है। ये बात क्लियर? तो आई होप क्या आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है उससे ध्यान देखिएगा। तो आइए देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान देखिएगा। इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना 72 कामगार है, मतलब 3 गुना 72 ढंग से काम करता है, इसकी क्षमता 3 गुना अधिक है, क्षमता भी समझ लीजिए 3 गुना अधिक है, इसलिए वह कोई काम बी की तुलना में 60 दिन कम अवधि में ही कर सकता है। दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे? ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, आप क्या करेंगे, ए द्वारा काम करने में लिया गया समय एक्स दिन, ठीक है। अब बी द्वारा काम करने में लिया गया समय क्या हो जाएगा? 3 गुना 72 है ना ए, तो बी हो जाएगा 3x। तो 3 गुना 72 कामगार है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, ए काम करने में कम समय लेगा तो बी उसे 3 गुना अधिक समय लेगा, 3 गुना 72, तभी तो ये माना जाएगा, दिन निकाले हैं समय है, तो ए
3 दिन कम इससे समय लेगा, 3 गुना कम लेगा, और बी से 3 गुना अधिक समय लेगा, कितना दिन बी का हो गया। ये बात तो क्लियर। प्रश्नानुसार देखिएगा, 3x - x = 60 दिया है, इतने दिन कम अवधि में कर सकता है, तो इसलिए कोई काम बी की तुलना में 60 दिन में कम अवधि में कर सकता है, तो इसमें से माइनस कर देंगे दिन वाला, तो पता चल जाएगा कितना आएगा। तो यहाँ पे 2x = 60, तो x बराबर आ गया 30 दिन। यक्स को कितना समय लगा, तो यक्स को समय लगा 30, और बी को कितना समय लगा, 30 × 30 = 90 दिन, निकल जाएगा ना। यक्स काम करता है 30 दिन में, तो 3 गुना समय बी लेगा 90 दिन। बात क्लियर है, यहाँ से एक्स का मान निकाल लिए, कन्फर्म। वही दिया है कि तुलना में 60 दिन कम अवधि लगेगा, तो माइनस कर देंगे, ज़्यादा से कम माइनस करेंगे तो 60 दिन कम अवधि लगेगा, तो एक्स का मान। अब देखिएगा, कह रहा है दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर सकते हैं, दिन आया ये दिन आया, तो ए द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, दिन का उल्टा होता है समय के, एकदम उल्टा होता है, बताया था। तो ए द्वारा किया गया कार्य 1/30 हो जाएगा, और बी द्वारा किया गया कार्य 1/90 हो जाएगा, और कुल का 60 दिन लेते हैं, तो कुल कार्य हो जाएगा 1/60। ये नहीं लिखेंगे, ये तो आपको यहां पर निकाल लिया। देखिएगा, ए का काम 1 × 30 दिन, क्योंकि कार्य और समय में वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ए द्वारा समय लिया जा रहा है 30 दिन, तो कार्य हो जाएगा 1/30, और बी द्वारा समय लिया जा रहा है 90 दिन, तो कार्य हो जाएगा 1/90। इसको एड कीजिए, 1/30 + 1/90 = 90, और 30 × 90 3 + 1 = 4/90, ये आ गया आपका कार्य। अब ये पूछ रहा है कि कितने दिन में कर सकते हैं, तो दिन इसका उल्टा हो जाएगा, तो 90/4, 2 × 4, 2 × 4 1 और 2 दिन, 22.5 दिन, तो पहला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। पहले आपको क्या करना है, देखना है कितने गुना है, तीन लोग को निकाल देना है। यक्स अगर 3 दिन में करता है, तो 3 गुना अधिक समय लेगा बी, तो उसका 3 गुना हो जाएगा। माइनस दिया है कि बी की तुलना में 60 दिन कम अवधि में करता है, तो माइनस करके यक्स का मान निकाल के इनका दिन निकाल लेंगे। कह रहा है कि वह कार्य कितने दिन में कर सकते हैं, तो दिन दिया है, कार्य निकाल लेंगे और बी का इनका एड कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कार्य, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो समय पता चल जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ये अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या, ध्यान से उसे भी देखिएगा। ये देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिएगा ध्यान से। इस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, रेलवे में सब पूछता है इस पे। देखिएगा, कह रहा है कि ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें, तो वह कार्य 10 दिन में पूरा हो जाएगा। तदनुसार यदि बी अकेले वही कार्य करे, तो कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मानिए, माना बी द्वारा एक काम को पूरा करने में लिया गया समय यक्स है, ठीक है। अब ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/2 3, मतलब 1/3, तो यक्स 1/3 हो जाएगा, लेकिन यक्स 1/3 बी के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि 50% करता है, आधा काम करता है। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 2c से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 100% हो जाएगा। अरे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा कि ए काम में 50% करता है, तो बी के 20 लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है 50% का, और जब 100% करेगा, तो इसके 2 गुना लेगा ना, 1/3 मतलब इसका 2 गुना, तो 2 × x/3। तो देख लीजिएगा, ए द्वारा काम को, एक काम को पूरा करने में लिया गया समय 2 × x/3, यक्स अपान थ्री, तो 50% काम को करता है, क्योंकि ए काम करता है यक्स दिन में, तो इसका 50% बी का करता है 1x/3, 2 गुना करेगा, तो 2x/3, ये आ गया आपका कार्य। कार्य पता चल गया ना, 2 गुना लगेगा समय, तो कार्य तो पता चल गया, कन्फर्म। यक्स काम 1 दिन में करता है, तो बी का पूरा काम करेगा तो 100%, तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 अपन यक्स बी ए वाला 2/3 हो जाएगा ना, 100% 2 हो जाएगा ना, तो 1/3 50% के लिए, 50% के 1/3, तो 2/3 नहीं हुआ, तो 2 गुना यक्स से मल्टीप्लाई कर देते 1 दिन का। अब देखिएगा, ये तो बी द्वारा समय लिया गया, बी द्वारा किया गया कार्य,
बी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो 1/x कार्य अपोजिट होता है इनका। और अब ए द्वारा किया गया कार्य इसका अपोजिट होगा, तो 3/2x। अब दोनों को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद वह कार्य 10 दिन में पूरा हो जाएगा। ए प्लस बी मिलकर करें तो ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 10 दिन है तो उल्टा हो जाएगा 1/10। अब ए प्लस बी मिल के कार्य करते हैं 1/10, तो ए का है कार्य 1/x, बी का कार्य है 3/2x 1/10। 2x एलसीएम, x से कैंसिल 2 प्लस 2x से कैंसिल 3 इक्वल 1/10। अब इधर आप जाएंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×10 इक्वल 2x, तो x बराबर 25 दिन। अब क्या कह रहा है कि b अकेले वही कार्य करे तो कितने दिन में करेगा, तो b x दिन में करता था, x का मान आ गया 25 दिन। आप उल्टा नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि x का मान ही ज्ञात करना है, x का मान डायरेक्ट आ गया, तो 25 दिन आंसर b आपका सही है। तो दिमाग में बस बैठाना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 50% कह रहा है, तो एक तिहाई हो जाएगा। दिमाग में बैठाइए कि बी द्वारा लिया गया समय, एक काम को करने में समय x दिन है, और बी उसी काम का 50% मतलब आधा करता है, एक तिहाई लेता है, तो पूरा करे तो दोगुना समय लेगा, तो 2/3 हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करके दिन काम निकाल लीजिए, और इनका दिन निकल जाएगा, दिन निकल गया दिन है, और काम निकाल लीजिए कि बी द्वारा किया गया काम जस्ट अपोजिट उसका, और ये द्वारा किया गया काम जस्ट अपोजिट। अब दोनों को ऐड करके दोनों मिल के करते हैं 10 दिन में, तो दोनों को ऐड करके 10 का 1/10 दिन, 10 दिन है, तो दोनों द्वारा किया गया कार्य 1/10। बात क्लियर, एक्स का मान 25 और एक्स दो बी द्वारा किया गया काम एक्स दिन में, तो 25 दिन। तो आई होप कि आपके बात क्लियर हुआ होगा, अच्छे से क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर तेज बोलते हैं तो कमेंट कर बताइए, तेज बोल रहे हैं, धीरा स्लो चलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, उसे भी ध्यान से देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट टाइप आपको पता है, प्रतिदिन नया मिलता है, तो नया टाइप देखिएगा। कह रहा है ए एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, यदि ए की क्षमता बी 50% अधिक कुशल हो, ए की क्षमता से बी 50% अधिक कुशल हो, तो बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ध्यान देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक के द्वारा सॉल्व करते हैं, ए समय लेता है 9 दिन, टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 9 दिन ही होगा, क्योंकि अकेले ही है, तो 9 कार्य कुल कार्य, अब देखिएगा कुलकार 9, ए की क्षमता निकाल लीजिए। अब ए की क्षमता कैसे निकालेंगे, तो ए 9 दिन में 9 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 9×9=1, तो ए की क्षमता हो गई एक दिन में कार्य करने की क्षमता एक ही हो गई 1। अब बी की क्षमता निकालिए, बी की क्षमता क्या कर रहा है, ए से बी 50% अधिक कुशल है, तो ए की क्षमता एक की क्षमता एक है प्लस 50% अधिक की बात कर रहा है, तो 50% को 100 में लिखते हैं, मतलब ए बी की जो क्षमता है, बी की क्षमता ए से 50% अधिक है, तो ए तो ही है लेकिन अधिक भी है, 3/2 आ गया, ए क्या आ गया, बी की क्षमता, समझे हैं, क्वेश्चन समझिएगा। यदि ए की क्षमता से बी 50% अधिक कुशल है, तो या तो 50% अधिक कह रहा है, तो 150/100 कर दीजिए और 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बी की क्षमता 1 है, तो 0 हो जाएगा 3/2 आया, या 1 प्लस यहाँ पे ये थोड़ा इसको देखिएगा अच्छे से और लिख लीजिएगा, 1 प्लस 1 का 50% तब आएगा, ये 50 से 50 कैंसिल, 5×5=10, और इसमें 2×1=2 और 3×3=2, 1 का 50% अधिक, तो 1×50%, या इसका 50% अधिक करता है, तो 150/100 कर रहे हैं, तो भी आ जाएगा। अब देखिए कह क्या रहा है, बी काम को कितने दिन में करेगा, तो बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, टोटल कार्य 9 है, एक दिन में करता है 3/2, कितने दिन में 9 कार्य करेगा, तो डिवाइड कर देंगे,
तो 9 अपान 3 अपान 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 इंटू 2 अपान 3 3 3 या 9 3 और 3 इंटू 2 बराबर 6 दे, डी आंसर सही। तो ये था सिंपल सा लॉजिक है, 10 दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इतना ईजी ठीक है, आपको मजा आ गया होगा। तो योग क्लास आज आपको अच्छा लगा होगा, इंजॉय किया हमारे क्लास, क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, सही लगा कि नहीं। थक जाता हूँ इसीलिए लंबा क्लास नहीं लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा तबीयत भी सही नहीं रहता है और ज़्यादा क्लास लेना पड़ता है, इंग्लिश की भी, मैथ की भी, और भी काम होता है, जिससे लंबा नहीं होता, लेकिन जितना देता हूँ अच्छा आपका कंटेंट अच्छा देता हूँ, किसी एग्जाम के लिए बहुत बेटर है, एकदम बेसिक से समझाता हूँ। चैनल पर नया वीडियो पहली बार देखा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नीचे होगा प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, क्लास मिस नहीं होगा। और हाँ, इस समय क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है, इंग्लिश का कभी कभी, मैथ का कभी, करंट अफेयर्स का, तो मत समझिएगा क्लास बंद है, क्लास डेली चलता है, आप चैनल पर आके देख लीजिएगा अपने टाइम से। क्लास टाइमिंग है सुबह 4:30 बजे करंट अफेयर्स, अभी 4:30 बजे नहीं हो पा रहा है तो 6 बजे के लमसम मिल जाता होगा, 7 बजे इंग्लिश करंट डेली प्रतिदिन मिल जाती है संडे को छोड़ के, शाम को 5 बजे मिलता है मैथ, और रात को 10 बजे आपको मिल जाता है जीके। 4 क्लासेस बैक टू बैक चल रही हैं आपके डिमांड पे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे के पास पहुँचे, किसी प्रॉब्लम ना हो, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, शेयर करके छोटे से प्रयास का हिस्सा बनिए, और फैमिली मेम्बर को बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, नया चैनल है तो आप सपोर्ट करेंगे तभी होगा। फ्री शिक्षा जो देने का मकसद ड्रीम है उसे पूरा कीजिए, आप मिलके, हम मिलके पूरा कर सकते हैं। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।